आगे बढ़ते हैं। झारखंड कैबिनेट से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को मंजूरी मिल गई है। अब इंतजार विधानसभा से बिल के पारित होने का है। ये सब संभव हुआ चिकित्सकों के सालों से चलते आ रहे संघर्ष से। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ इसी संकल्प के साथ मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए डॉक्टरों का संघर्ष वर्षों से चालू रहा। स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी सभी संस्थाएं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, हॉस्पिटल एसोसिएशन एवं चैंबर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वाधान में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के संघर्ष के लिए एक मेडिकल प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी का निर्माण किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भारती कश्यप रहे। उनके नेतृत्व में यह संघर्ष लंबे समय तक चला। सरकारी महकमे में मुलाकातों का सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। हर मुलाकात उम्मीद दिलाती रही। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हेमलाल मुर्मू और तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव के विद्यासागर से मुलाकात की। दूसरे राज्य के एक्ट के आधार पर महाधिवक्ता अनिल सिन्हा और सीनियर एडवोकेट अनिल कश्यप की मदद से तैयार किया गया। एक्ट के लिए 10 समाज सेवी संस्था के अध्यक्षों की लिखित सहमति लेकर भी उन्हें सौंपी। भरोसा मिला तो उम्मीदें और मजबूत हुई। तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा से भी मुलाकात की गई। इसके बाद राज्यपाल माननीय डॉक्टर सैयद अहमद के राष्ट्रपति शासन में यह ऑर्डिनेंस के रूप में लगभग आ चुका था। तभी विधि विभाग में यह एक्ट और बिल दो शब्दों के बीच में फंस गया और जब तक मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी इसे विधि विभाग में जाकर सुधार करती, तब तक राष्ट्रपति शासन खत्म हो चुका था। इसके बाद यह संघर्ष भी शून्य से शुरू हुआ। मौजूदा सरकार की संवेदनशीलता का परिणाम था कि एक वर्ष के अंदर मुख्यमंत्री रघुवर दास और स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की महत्ता को समझते हुए कैबिनेट में बिल को मंजूरी दे दी। इन लोग आईएम के लोग ने बहुत प्रयास किया था, साथ ही जो डॉक्टर भारती जो हैं, समझे ना कश्यप, उसका भी बहुत अति रहा। जब भी आंदोलन हुआ तो बढ़ चढ़ के भाग ली और उन लोग का मांग था कि हम किसी तरह से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, तो आज उन लोग का कल उन लोग का पास हो गया। कैबिनेट से बिल को मंजूरी मिल गई है। अब इंतजार विधानसभा से इसे पारित करने का है, ताकि डॉक्टरों और मरीजों के बीच में जो स्वस्थ संबंध होना चाहिए उसे मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के आने से मजबूती मिले। ऐसा होता है तो डॉक्टर भयमुक्त वातावरण में काम कर सकेंगे और उनका पलायन भी रुकेगा, लिहाजा सूबे की सेहत में जरूर सुधार होगा। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने आईएमए के डॉक्टरों के संघर्ष को सराहा। उन्होंने आईएमए के वीमेन डॉक्टर्स विंग के अध्यक्ष डॉक्टर भारती कश्यप का नाम लेते हुए कहा कि संघर्ष में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपको बता दें कि डॉक्टर भारती कश्यप मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए संघर्ष करने वाली गठित कोऑर्डिनेशन कमेटी की अध्यक्ष रही है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा संबंधित सभी संस्थाएं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, हॉस्पिटल एसोसिएशन और चैंबर ऑफ कॉमर्स जैसी संस्थाएं भी शामिल रही। डॉक्टर भारती कश्यप के नेतृत्व में यह संघर्ष लंबे समय तक चला और तकरीबन हर मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और राज्यपाल से मिलकर उन्होंने अपनी मांगे रखी है और आखिरकार सूबे में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ। के लोग ने बहुत प्रयास किया था, साथ ही जो डॉक्टर भारती जो हैं, समझा ना कश्यप, उसका भी बहुत अति रहा। जब भी आंदोलन हुआ तो बढ़ चढ़ के भाग ली और उन लोग का मांग था कि हम किसी तरह से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, तो आज उन लोग का कल उन लोग का पास हो गया।